नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में आज मुजफ्फरपुर आने वाले हैं, जिसको लेकर देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियों का जायजा खुद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार और SSP राकेश कुमार ले रहे हैं। आपको बता दें कि आज समाधान यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर आएंगे, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है और किस तरीके से DM और SSP खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आला अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। मुशहरी प्रखंड के अंतर्गत शेरपुर पंचायत में जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, जिसको लेकर जिलाधिकारी और जो SSP है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर है और यहीं पर बगल में पंचायत भवन है और पंचायत सुविधा केंद्र है और साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्र भी है और बच्चों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है यहाँ पर और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 बजे मुजफ्फरपुर के इसी पंचायत में आएंगे और फिर वो 12 बजे मुजफ्फरपुर के समरणालय के नज़दीक नगर भवन के समीप आईस इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद समरणालय में समीक्षात्मक बैठक करेंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा काफ़ी कड़ी है। जगह जगह पुलिस पदाधिकारियों और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। आपको दिखाएंगे किस तरीके से कहां कहां CM नीतीश कुमार आएंगे। देख सकते हैं जीविका दीदियों के द्वारा नीरा को लेकर ये लगाया गया स्टॉल लगाया गया है। जीविका स्वास्थ्य मित्र हैं, देखिए दीदियों की रसोई है और जो जीविका की दीदी हैं वो यहाँ पर हैं और आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से पंचायत सरकार का ये भवन है। और देखिए जीविका के दीदियों के द्वारा स्टॉल लगाया गया है, ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा स्टॉल लगाया गया, जगह जगह स्टॉल भी लगाया गया है, वहीं सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और देख सकते हैं किस तरीके से बगल में आंगनबाड़ी केंद्र भी है और कई सारी चीज़ें हैं इसमें, आंगनबाड़ी केंद्र है और तैयारी किस तरीके से की जा रही है। CM नीतीश कुमार कुछ देर बाद यहाँ पर आएंगे और जायज़ा लेंगे। लोक सेवाओं का अधिकार प्रदेश सुविधा केंद्र भी है और देखिए किस तरीके से ये सुविधा केंद्र है, आपको हम अंदर की तस्वीर भी दिखाएंगे किस तरीके सुविधा केंद्र है और बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और किस तरीके से पूरी तैयारी हमने आपको दिखाई है, किस तरीके से पूरी तैयारी की गई है, अलग अलग तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र और CM नीतीश कुमार यहीं जायजा लेंगे और पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है, बच्चे भी हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है CM नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर। हाँ, देख सकते हैं बच्चों को तैयार किया जा रहा है और कल भी हमने आपको इसकी तस्वीरें दिखाई थी, आज सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। CM नीतीश कुमार आने वाले हैं, इसको लेकर सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी पंचायत में आएंगे, उसके बाद समीक्षात्मक बैठक करेंगे, जिसको लेकर सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं और 11 बजे CM नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे। समाधान यात्रा के क्रम में CM नीतीश कुमार यहाँ पर आएंगे और व्यवस्थाओं का जायज़ा लेंगे। तो आपने देखा है किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएँ की गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था है। तो भाई लाइव सिटीज़ के साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।